फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहाँ पर कोकोनट कुकीज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर आज हम एगलेस कोकोनट कुकीज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 4 टेबलस्पून घी, 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम गाढ़ा घी लेंगे। यहाँ पर हमने प्योर घी लिया हुआ है, गाय का घी लिया है। इसके जगह पे वनस्पति घी या फिर आप तेल का यूज ना करें, कुकीज टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। घी के साथ ही इसका टेस्ट एकदम उभर कर आता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप चीनी या फिर आप एज पर योर टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको फाइन पाउडर में बना कर लिया हुआ है। इसको हम अच्छी तरीके से फ्लफी होने तक यहाँ पर हम इसको फेंट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से फ्लफी बन गई है, आपको नजर आ रहा ही होगा। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ले लिया है। इस तरीके से फ्लफी बनकर रेडी होने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर लेंगे 1 कप मैदा। इसके अंदर हम बराबर से 1 कप भर करके मेजरिंग कप से यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पर हमने छानने के लिए एक छन्नी ली हुई है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक से मीठे का स्वाद और बढ़कर आता है, इसलिए हमने इसके अंदर वो सारी चीजें छान कर होने के बाद 1 चुटकी नमक डाला है। और उसके अंदर हम अब डालेंगे 2 टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड पाउडर। ये दोनों चीजों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने वैनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर वैनिला कस्टर्ड पाउडर आपके पास ना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा इसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। फिर हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेंगे। इसका हम अच्छी तरीके से एक डो बनाकर रेडी करना है। तो इसके अंदर हम इसको डो बनाने के लिए कम से कम दूध ऐड करके हमें इसको कुकीज बना लेना है। इसकी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। और यहाँ पर ये इसके अंदर घी होने की वजह से इस तरीके से देखो आप किस तरीके से बनकर रेडी हो रहा है। तो इसके अंदर हमको कम से कम दूध ऐड करके इसको अच्छी तरीके से इसका एक डो बना लेना है। इसका हमें टाइट डो बनाना है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। इसका हम अच्छी तरीके से डो बनाना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से कुकीज का डो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतना ही यहाँ पर हमको दूध लगा है। और यहाँ पर एकदम अच्छा सा टाइट सा यहाँ पर हमने डो बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ पर हम ओवन में कोकोनट कुकीज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ओवन के लिए ट्रे लिया हुआ है। और जैसे कि आज हमारे घर पे बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो एक अच्छा जुगाड़ है उस चीज के लिए, बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पर एक कोई भी बुक का पेपर या फिर जो अखबार आता है उसको आप अच्छी तरीके से ऑयल या घी से इस तरीके से कर लीजिए, तो ये बटर पेपर जैसा बन जाएगा। या फिर आप इस ट्रे के ऊपर सिर्फ डायरेक्ट ट्रे के ऊपर ऑयल लगा करके मैदा थोड़ा थोड़ा सा छिड़क करके भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कुकीज बनाने के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच लेना है मेजरमेंट के लिए।
तो इस चम्मच के अंदर यहाँ पर हमने ये इस तरीके का चम्मच लिया हुआ है, इसके अंदर हम अच्छी तरीके से मेजरमेंट के हिसाब से डो लेंगे। यहाँ पर हमने डो का इस तरीके से हिस्सा लिया है और उस तरीके से हम इसका बॉल बना लेंगे और इस तरीके से बॉल बना करके हम इसके ऊपर रख देंगे। एक ही साइज के हमारे सारे कोकोनट कुकीज बनने के लिए यहाँ पर हमने इस चम्मच का यूज किया है। यहाँ पर हमने कोकोनट कुकीज के इस तरीके से ये बना लिए हैं, इस तरीके से हमने छोटे छोटे बॉल बना लिए पेड़ा साइज के। इसको हम इसी तरीके से ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 या ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट्स लगेंगे, कम भी लग सकते हैं, ये आप ओवन के साइज पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर हमने इसको 10 मिनट के लिए यहाँ पर हमने प्री हीट के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हम ओवन के अंदर यहाँ पर हम जो कुकीज बनाने के लिए डाल देंगे, यहाँ पर हमारे कोकोनट कुकीज बनकर रेडी हो गई है। इसको हमने 30 मिनट्स के बाद ओवन से बाहर निकाल दिया है। बहुत ही हल्के और खस्ते बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, मार्केट से भी बेहतरीन कोकोनट कुकीज़ यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से आप भी रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।